अब तक की जो चर्चा हुई है उसमें हमने देखा कि ये जो सेल्फ को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, सेल्फ से ही कर रहे हैं, उसमें एक्सरसाइज वन में, स्टेप वन में हम अपने भाव के प्रति सजग होने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है उसके प्रति हम सजग हो जाएं, एंड पर्टिकुलरली उसमें हमारा क्या भाव चल रहा है उसको हम देख लें। स्टेप टू में हम ये देखना चाह रहे थे कि ये जो भाव मेरे अंदर चल रहा है वो मुझे सहज स्वीकृत है या नहीं है, उस भाव को हम बनाए रखना चाहते हैं, उसी में कंटिन्यू करना चाहते हैं या उससे बाहर आना चाहते हैं। स्टेप थ्री में हमने पूछा कि ये जो भाव मेरे अंदर चल रहा है इस क्षण, उस भाव के साथ मैं सुखी हूं या दुखी हूं, मैं आराम में हूं या अनकंफर्टेबल हूं। और फिर स्टेप फोर में ये पूछा कि इस भाव के लिए कौन जिम्मेदार है, मैं स्वयं जिम्मेदार हूं या बाहर की कोई परिस्थिति या कोई अन्य, कोई और ह्यूमन बीइंग बाहर। तो हम ये देखेंगे कि ये जो चार स्टेप्स हैं, जैसे जैसे हम ये प्रैक्टिस करते जाते हैं, ये बहुत ही एक के बाद एक ये स्टेप्स अपने अंदर शुरू हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसे लगेगा कि हमें बस अपना भाव दिखा और ये सेकंड थर्ड फोर्थ एकदम हो ही गया, अपने आप ही हो गया जैसे। तो स्टेप फोर में हमने ये देखा कि जो मुझ में भाव चल रहा है उसका निर्णय तो मैं स्वयं लेता हूं, है ना। बाहर की कोई भी परिस्थिति हो, बाहर कोई दूसरा व्यक्ति हो, उससे, उसके करने से मेरे इस भाव के प्रति एक ट्रिगर जैसा, जो मुझे एक संकेत जैसा मिलता है, एक उस पे मेरा ध्यान जाता है, लेकिन अल्टीमेटली भाव तो मैं ही तय कर रहा हूं या कह रही हूं। अब हमें ये देखना है कि जो भी भाव मैं तय कर रही हूं उस भाव का आधार क्या है, वो निर्णय जो मैंने लिया उस भाव को मैंने किस आधार पर लिया, किस आधार पे चूज किया, सही समझ से या किसी मान्यता से, ऐसी मान्यता जो बिना सही समझ के है। तो हम देखेंगे कि जब मैं सही समझ के आधार पर अपने भाव विचार का निर्णय लेता हूं, तब मैं वैसे भाव विचार का निर्णय लेता हूं जो मुझे सहज स्वीकृत होते हैं। और उसमें हम देखेंगे ऐसे भाव जब हम रखते हैं तो हम आराम में रहते हैं, संगीत में रहते हैं, सुखी रहते हैं, एंड अल्टीमेटली वही मेरी चाहना थी, सुखी होने की। लेकिन अक्सर हम ऐसा नहीं करते, हम किसी मान्यता के आधार पर अपने भाव विचार का निर्णय कर लेते हैं। अब डिपेंड करेगा कि जो मान्यता के आधार पर मैंने अपना भाव तय किया, अब उस मान्यता के आधार पर मेरा भाव उस क्षण सहज स्वीकृत हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करेगा मेरी मान्यता क्या है ना, और स्थिति परिस्थिति कैसी है। तो ये निश्चित नहीं होता कि मैं किस भाव के पक्ष में निर्णय लूंगा। जब मैं उस भाव के पक्ष में निर्णय लेता हूं जो मुझे सहज स्वीकृत होता है, तो मैं सुखी होता हूं, मैं संगीत में रहता हूं। लेकिन जब मैं उस पक्ष में
लेता हूँ निर्णय कि मेरा, जबकि मेरा भाव सहज स्वीकृत ना हो तो फिर मैं दुखी होता हूँ, परेशान होता हूँ। तो अब इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि मेरे अंदर जो सही समझ है उसका होना बहुत मेरे लिए आवश्यक है, और उसी सही समझ के आधार पर मुझे अपना भाव विचार का निर्णय लेना है, ये मेरी आवश्यकता है। चाहे बाहर बाहर की परिस्थिति मेरे अनुकूल हो ना हो, तो यहां तक अगर किसी को कुछ प्रश्न है या कुछ ऑब्जर्वेशन है या कुछ शेयरिंग है तो वो ले सकते हैं। दीनानाथ जी का हैंड रेज्ड है, मुझे लगता है इंग्लिश सेशन से ही, बट शेयरिंग कुछ करना चाहेंगे तो आप रख सकते हैं। दीनानाथ जी कुछ शेयर करना चाह रहे थे, ठीक है, और किन्हीं की कोई शेयरिंग हो, कुछ ऑब्जर्वेशन हो तो आप रख सकते हैं। रूपालिम जी नमस्ते दीदी। नमस्ते अफरीदा जी। दीदी टू एग्जांपल्स के बीच में जो एक स्पेक्ट्रम है, जैसे एकानी भैया बोले ट्रेन का, बहुत कॉमन है ये, और अनदर इन अनदर एक्सट्रीम जो बीच में मैं हूँ, मैं बोल सकती हूँ अनदर एक्सट्रीम एग्जांपल जो एक मेरे फ्रेंड का मैं बोली थी, हस्बैंड डॉक्टर है और उनकी अपनी मम्मी मतलब मेरे फ्रेंड की मदर इन लॉ का बहुत सीरियस कंडीशन में भी, तो एक पर्टिकुलर मेडिसिन जो जरूरत होते रहते हैं, तो रात को 10 बजे भी वो लिखने के लिए तैयार नहीं है, तो मेरे फ्रेंड को कहीं और डॉक्टर्स को हेल्प लेना पड़ा और किसी का, तो उनको बहुत आज तक वो मदर इन लॉ भी नहीं रही, लेकिन वो खटकता है। देर आर मेनी अदर बिहेवियर। और मेरा मेरे इसमें भी मेरा पॉइंट है कि जो ये तो ठीक है, अभी मान लेते हैं अपने को देख के कि हम हमारा इंटेंशन नहीं होता है किसको दुखी करने का, लेकिन ये भी अगर फैमिलीज में जैसे हमेशा मिलना होता है और उसमें कि रिजिडिटी एक दिखता है कि उनका अपना जो भी प्रे कंडीशनिंग हो, हैबिट्स हो, वो चेंज नहीं करना चाहते हैं और उसके चलते बाकी को दुख होता है, प्रॉब्लम होता है, चाहे वो ट्रेन वाले ये हो, उसमें तो ट्रेन का जो है वो अमन है, लेकिन एक दिन की बात है, ठीक है छोड़ दो, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन ये फैमिलीज में जो रिपीटेडली होता है कि ये दिखता है कि हाँ हो सकता है कि बहुत डीप रूटेड कुछ हो, लेकिन ये जो दूसरे को प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं उसके साथ डील करना मुश्किल होता है, खुद भी देखे हैं और क्लोज पीपल के साथ भी ऐसा होता है, देखते हैं कि क्या करें, कि क्योंकि एवरी डे है और रिजिडिटीज ऐसा दिखता है कि नहीं चेंज करना ही नहीं उनका हैबिट्स जो है। हाँ दीदी, हम भी तो रिजिड है ना, हम दूसरे को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनका हैबिट चेंज नहीं हो रहा, हमारा भी तो हैबिट चेंज नहीं हो रहा है ना। क्या है ना कि हम हर चीज को अपने ही नजरिए से देखते हैं। अब आपने वो मेंशन किया ना, जैसे ट्रेन में अभी कानी राजा जी जो मेंशन कर रहे थे इंग्लिश सेशन में कि डिस्टरबेंस होता है लोगों को, तो वो मेरे दुख का कारण है या मेरे अंदर जो भाव चल रहा है वो मेरे दुख का कारण है, ये देखना बहुत जरूरी है। अभी प्रिया जी ने कुछ मेंशन किया था चैट में कि जब हम अपने ना कहीं जाते हैं, जैसे कोई अगर आप यंग हो और गेम खेलने जाते हो एज अ टीम, आप सब साथ में जाते हो तो सब एक्साइटेड होते हैं, सब बातचीत करते हैं, खूब गप्पे मारते हैं, वो सब करते हैं, तो
दूसरे को डिस्टर्ब हो रहा है ये तो हम नहीं सोचते हैं, हम तो अपने नजरिए से देखते हैं तो हम तो खुश हैं, कोई कुछ बोलता है तो हमें लगता है इनको क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों नहीं सो जाते, है ना, हम अपने नजरिए से उस चीज को देखते हैं। लेकिन जब हम सोने की कोशिश कर रहे हैं और कोई दूसरा वो मौज मस्ती कर रहा है तब हमें परेशानी होती है। तो ये सब तो देखना पड़ेगा थोड़ा सा कि हमारी भी बहुत सी मान्यताएं चल रही हैं और हम भी बहुत चीजों में थोड़ा रिजिड हो रहे हैं, उसको हम ओपन रखें अभी और उसको देखें। वही हो जाता है कि बाहर वाला जो कर रहा है हम उसको कंट्रोल करने के उसमें लगे रहते हैं, लेकिन मेरे अंदर क्या भाव चल रहा है, मेरे अंदर क्या मान्यता काम कर रही है, इस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। तो अभी हमें उस पर ध्यान देना है, उससे देखना है कि क्या कोई और तरीका है, क्योंकि हम जो बाहर ट्राई कर रहे हैं दूसरे को चेंज करने का, दूसरी परिस्थिति को चेंज करने का, वो तो अब तक तो हमने देख लिया काम नहीं कर रहा। तो क्या हम कुछ और तरीका यूज कर सकते हैं, क्या हम अपने अंदर का भाव देख सकते हैं, क्योंकि वो अगर हमारे बस में है तो फिर बाहर की परिस्थिति कैसी भी हो कम से कम हम तो दुखी नहीं होंगे ना उससे। अभी हमने ये मान लिया है कि बाहर की परिस्थिति ही मेरे दुख का कारण है, जैसा आपने कहा ना दूसरा दुखी कर रहा है, अब वो दुखी तो नहीं कर रहा लेकिन हमने मान लिया कि वो मुझे दुखी कर रहा है, तो फिर हम उसी को चेंज करने में लगे रहेंगे। लेकिन अगर हम ये देख पाए कि मैंने जो भाव चूज किया इस समय उससे मैं दुखी हो रहा हूं, तो फिर हम अपने भाव को ठीक करने के उस पर ध्यान देंगे, है ना। तो थोड़ा सा उसको खुला रखें अभी, ठीक है। दीदी आपने वही इंग्लिश सेशन में आपने जो एक एग्जांपल दिया था कि किसी को कुछ काम दिया है वो करना है, तो जैसे फॉलो अप करने की बात है, तो वो सब अगर करके देखे कि रिमाइंडर्स है, फॉलो अप है, अच्छे से इवन अपने साइड से हेल्प भी ऑफर करे जितना हो सकता है, इन स्पाइट ऑफ दैट जब एक रिजिडिटी दिखता है कि वो करना ही नहीं है, तो उससे जैसे बाकी लोगों को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो वही है कंसिस्टेंटली अगर एक पॉजिटिव वे रखते हैं कि हम हेल्प कर देंगे, अच्छा है उनके टाइम नहीं हो रहा है तो ये पार्ट भी मैं कर देती हूँ, तो ये करने के बावजूद भी अगर एक काम इम्पोर्टेंट काम हो नहीं पाता है, तब वो पार्ट तो कर रही हूँ, वो भी एक्सप्लोर की नहीं हम अपना तो ये मेंटेन करना है, रिएक्शंस तो बंद हुआ है आउटसाइड, लेकिन वही एक्सप्लोर कर रही हूँ कि ये ऐसा सिचुएशन में जो बहुत फैमिली सिचुएशन होता है एवरीडे का, तो उसी में थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ये चीज ना बहुत गहरे में अपने अंदर बैठी होती है। अब हमारा बाहर का रिएक्शन तो रुक गया लेकिन अंदर रिएक्शन चल रहा है, तो हमें बाहर भी सुख नहीं दिख रहा, अंदर भी सुख नहीं दिख रहा, तो ये तो बहुत बुरी कंडीशन हो गई हमारी, क्योंकि हमें ऐसा लगेगा कि हम देखो इतना सब कर रहे हैं फिर भी तो हम दुखी हो रहे हैं। तो हम अंदर के जब तक भाव को नहीं ठीक करेंगे तब तक हमारा दुख जाने वाला नहीं है। बाहर भी जो हम कोशिश कर रहे थे ना दूसरे के लिए कि उन्होंने टाइम से नहीं दिया या काम नहीं किया, तो हम उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सब करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो कर पाए, और फिर भी नहीं हो रहा, तब हम अपने आप से पूछें क्या वो करना नहीं चाहते या कर नहीं पा रहे हैं। ये दोनों में बहुत अंतर है और यही हम हर बार चूक करते हैं कि हम वहीं ऐसा मान लेते हैं कि दूसरा करना ही नहीं चाहता और कि उसका इंटेंशन ही नहीं है करने का, उसका इंटेंशन ही गलत है, ये हमने कहीं माना हुआ है। इसको हम थोड़ा अच्छे से देखें अपने अंदर, क्या वो करना नहीं चाहता या वो कर नहीं पा रहा किसी भी वजह से, जो भी वजह है, चाहे वो यही हो कि उसमें अभी समझ नहीं बन पाई है, तो मेरे क्या ऑप्शंस हैं, है ना। अभी भी जैसा आपने कहा काम तो हम कर ही रहे हैं, वो तो हो ही रहा है,
लेकिन हम दुखी होके कर रहे हैं उसको। तो अगर तो हम कुछ चेंज कर सकते हैं, उसके ना कॉम्पिटेंस बढ़ा सकते हैं, तो हम जरूर करें वो विद, मतलब एक सही भाव के साथ, भाव जो सहज स्वीकृत है, संबंध के भाव के साथ हम उसको हेल्प करें। लेकिन अगर वो अभी नहीं बन बन पा रहा है, या नहीं हो पा रहा, या उससे कुछ हमें राहत नहीं मिल पा रही है, तो फिर हम एक्सेप्ट करें कि अभी फिलहाल तो ये कंडीशन है, नेक्स्ट टाइम हम उस पर्सन को ये काम नहीं सौंपेंगे, या किसी और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन को वो काम देंगे जो इतना जरूरी था। तो लेकिन हमें दुखी होने की जरूरत है क्या इसमें? क्योंकि हम जहां अपने गलत भाव रखा, हम दुखी हुए, फिर हम उस सफरिंग में चले जाते हैं कि ये तो ऐसे ही है, ये तो करते नहीं है, तो करना ही नहीं चाहते हैं, हमने तो इतना इनको हेल्प किया, फिर भी देखो यही करते हैं। हम भले ही दूसरे को ना बोलें, रिएक्शन बाहर रुक गया, लेकिन अंदर जो रिएक्शन चल रहा है उसका क्या, उसकी वजह से हम फिर भी दुखी हैं। तो हमें लगता है हमने बाहर इतना कंट्रोल किया, फिर भी क्या फायदा हुआ, हमने उनको इतना हेल्प करा, फिर भी क्या फायदा हुआ, हम तो फिर भी दुखी हैं। लेकिन हम अपने भाव की तरफ और ध्यान दें और जागरूक रहें, और उसमें देखें कि मैं जो भाव रख रही हूँ उस समय, उस क्षण, क्या मेरे लिए सहज स्वीकृत है या नहीं है, और उस को देख के मेरे लिए क्या सहज स्वीकृत है, उस भाव को एक क्षण के लिए रखें और देखें उसका एक्सपीरियंस। आपको दिखेगा कि आप उसी क्षण आराम में आ जाते हैं, और फिर लगेगा कि हम तो ऐसे ही दूसरे के पीछे पड़े हुए थे कि दूसरा ही मुझे दुखी कर रहा है, ये तो एक्चुअली मेरा अपना डूइंग है। उसको चीज को थोड़ा खुला रखें अभी और उसको देखें। एक्चुअली दीदी, फैमिली मेंबर्स के बीच में ऑप्शंस नहीं दिखता, जैसे बाहर ये काम इससे ना हुआ ठीक है, उनको नहीं देते हैं, वो ऑप्शन रहता है। तो इनसाइड द फैमिली मेंबर्स एक चीज ऑब्जर्व कर रही हूँ कि कुछ काम, कुछ चीजों के लिए जैसे ऑप्शन नहीं बनता, और एक ये रहता है कि अपने हैं तो उन लोग का तो अच्छा ही होगा ये काम हो जाने से, लेकिन नहीं कर रहे हैं तो काइंड ऑफ दुखी भी हो जाते हैं कि उनका अपना हार्म आंखों के सामने दिख रहा है, फिर भी, और हेल्प भी कर रहे, फिर भी नहीं कैसे हुआ, तब थोड़ा सा वो लगता है, उसको ऑब्जर्व कर रही हूँ, एक्सप्लोर कर रही हूँ। वही वही, उसमें भी हर सिचुएशन में हमारे दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो हम उनको हेल्प कर पाए, है ना, या फिर हम उस चीज को अभी के लिए एक्सेप्ट करें। तो जब हम दोनों ही नहीं करते हैं तो हम तो दुखी होंगे ही, है ना। ठीक ठीक, हाँ ठीक है दीदी। शीला मिश्रा जी, शीला मिश्रा जी नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी, मेरा भी क्वेश्चन कुछ ऐसे ही है। जैसे लगता है ना कि हम लोग कहते हैं कि रिलेशन में रहना हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस है, लेकिन कई बार लगता है कि मन में आता है कि इस रिलेशन के ना होने से ही अच्छा है, एंड आई वांट कि आई डोंट वांट टू बी इन द रिलेशन। तो ये क्या नेचुरल नहीं है? और कई बार लगता है कि हाँ, उस रिलेशन के ना होने से आई एम हैप्पी, और उस रिलेशन के होने से आई एम अनहैप्पी, ये लगातार भाव भी मन में आता रहता है। इसके साथ साथ एक और ये प्रश्न है कि जैसे कहते हैं ना कि रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन, तो एक तो लगता है ना कि जो जानबूझ करके चूज करके ऐसा लगता है गलत कर रहे हैं, जैसे प्लान करके, कॉन्स्पिरेसी करके गलत करते हैं कई बार बहुत सारे लोग, फॉर एग्जाम्पल टेररिस्ट या जो अब्यूज करते हैं लोगों को, तो उनके लिए ये भाव कैसे आ सकता है कि नहीं ये इसके प्रति प्रेम दिखाएं, भाव दिखाएं, सिर्फ राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसके लिए। आई मीन इट इज टू मच लाइक टू एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर ओन सेल्फ।
और उससे हमें दुख भी ना हो, वो दुख भी हमारे अपनी चॉइस है, ऐसा भी नहीं लगता, लगता है कि इट इज़ वेरी नेचुरल कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको देख करके दुखी होना. फॉर एग्जांपल अगर किसी ने किसी बच्ची को अब्यूज़ किया तो उसको देख करके हम कैसे कह दें कि वो अब्यूज़ करने वाला बस खाली उसकी राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं थी और इसलिए उसने कर दिया, इसलिए कोई बात नहीं, इसको अभी एक्सेप्ट करते हैं या फिर धीरे धीरे चेंज करने का प्रयास करते हैं. तो ऐसे में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट मन में आता है. थैंक यू दीदी. देखिए अभी जो सेकंड क्वेश्चन आपका था ना, किसी ने कुछ क्राइम किया है ना, अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसको आप कुछ भी नहीं करेंगे. बाहर तो आपने जो भी आपके रूल्स बनाए हैं, यू नो, समाज में उस चीज को इनकरेज ना करें इसके लिए कुछ हमने रूल्स बनाए हैं, वो तो जरूर करेंगे हम, वो सब करेंगे जो करना है. लेकिन हमारे अंदर उस पर्सन के प्रति क्या भाव है वो तय करेगा कि हम सुखी होंगे कि दुखी होंगे. अभी हमने क्या मान लिया है कि वो जो कर रहा है उसकी वजह से मैं दुखी हो रही हूँ, तो इस चीज को वही हम कह रहे हैं थोड़ा खुला रखें. हमारे दुख का कारण ये है कि उसने कुछ ऐसा गलत काम किया, या हमारे दुख का कारण ये है कि हमने उसके लिए कुछ माना हुआ है और उस वजह से हमारे अंदर ये भाव चल रहा है उसके प्रति. तो जैसा कि आपने कहा ना, वो करना ही नहीं चाहता, इस चीज को थोड़ा और अच्छे से देखें, उसकी इंटेंशन में प्रॉब्लम था या उसकी कॉम्पिटेंस में. इस चीज को अभी हमें जो कॉम्पिटेंस दिखती है ना, हम बाहरी तौर पे जो फॉर्म है उसको देख के हम कुछ एक हम मान लेते हैं कि भाई कोई, जैसे कि वो एग्जांपल मैं कुछ दिन पहले दे रही थी कि जैसे कोई जिसको किसी को आंखों से नहीं दिख रहा, वो एक स्टिक लेके गॉगल्स लगा के रोड पे खड़ा है, उसके प्रति हमारे अंदर क्या भाव चलता है कि अगर वो रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है और नहीं कर पा रहा है तो हम उसको उसकी सहायता कर दें, उसका हाथ पकड़ लें या उसको गाइड कर दें, उसको दूसरी तरफ पहुंचा दें, तो हमारा एक पर्टिकुलर टाइप का भाव बनता है. क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि देखो उसको आंख से दिख नहीं रहा तो उसके लिए हमारे अंदर एक दया का भाव, कंपैशन का भाव होता है, उसके साथ हम उसको हेल्प करते हैं. अब वहां हमको उसके आंखों से नहीं दिख रहा ये बात हमें समझ में आई, ऐसा हमें दिखा. किसी की सोच ठीक नहीं है वो भी एक तरह का क्या बोलना चाहिए, एक सिचुएशन ऐसा है या एक स्टेट ऐसी है जिसमें कि वो सही निर्णय नहीं ले पा रहा, ये हमें नहीं दिखता. हमें लगता है वो तो निर्णय लेना ही नहीं चाहता, ठीक निर्णय लेना ही नहीं चाहता. तो जहां हमने ऐसा सोचा, हम देखें कि हमारा भाव क्या चल रहा है, हम पाएंगे कि हमारे अंदर विरोध का भाव है उसके प्रति, और उस विरोध के कारण हम दुखी हो रहे हैं या उसने ऐसा किया उसके लिए हम दुखी हो रहे हैं. इसको थोड़ा खुला रखें और अपने अंदर इसको जांच के देखें, क्योंकि जो हमने अगर उसके लिए मान लिया कि वो करना ही नहीं चाहता, तब तो डेफिनेटली हमारे अंदर विरोध का भाव चल रहा ही है ना, तभी हमने ऐसा माना उसके अंदर, और उसके पीछे भी एक ये मान्यता रहेगी कि भाई अच्छा हट्टा कट्टा है, उसको सब तो ठीक है, क्यों वो ऐसा कर रहा है. सिमिलरली हमने टेररिस्ट के लिए ऐसा मान लिया, बट अगर हम ये देख पाए कि जो टेररिस्ट कर रहा है वो तो ऐसा सोच के कर रहा है कि यही ठीक काम है करने का, उसकी अभी समझ है नहीं वैसी जो होनी चाहिए, वो भी बहुत सी मान्यताओं के साथ काम कर रहा है, तो उसकी ये मान्यता बनी हुई है कि यही एक काम है जो ठीक है करने का, तो वो कर रहा है उस मान्यता से. तो इसका ये मतलब नहीं कि हम टेररिस्ट को छोड़ देंगे कि ठीक है जब वो
एक्सेप्ट कर लेंगे कि जो भी किया उन्होंने ठीक है, बिल्कुल नहीं। हमारे जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसके तहत हम जो भी कार्रवाई करनी है, जो भी ना प्रिजन में रखना है, जो भी करना है वो सब हम करेंगे। लेकिन क्या ये जरूरी है कि हम उसके प्रति हमारा भाव ठीक ना हो, या हम ये सब करते हुए हमारा भाव ठीक रख के उसको प्रिजन में भी सही मार्ग दिखाने का भी कुछ प्रयत्न कर सकते हैं। तो जब हमारे अंदर भाव सही होगा तो ही तो हम ये प्रयत्न करेंगे ना कि उसको हम सही मार्ग, सही दिशा दिखा पाए। लेकिन जब हमारे अंदर विरोध का भाव चल रहा होगा तो हमें लगेगा हाँ हाँ वो तो डिजर्व करता ही है, ऐसा सड़ने दो उसको वहीं, है ना। वो बहुत फर्क पड़ता है उससे, हमारे अंदर क्या भाव चल रहा है उससे तय होगा कि हम दुखी हैं या सुखी हैं, और उससे आगे का हमारा क्या विचार है और हमारा क्या एक्शन है बाहर, वो सब तय होगा उससे। वो थोड़ा सा उसको खुला रखें। दीदी दीदी यहाँ तक तो चलिए कोशिश करते हैं, लेकिन उसके प्रति रेस्पेक्ट का भाव भी हो, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं लगता? रिस्पेक्ट का मतलब क्या है? राइट इवैल्यूएशन, है ना। हाँ, राइट इवैल्यूएशन, राइट इवैल्यूएशन। तो हम किस बेसिस पे इवैल्यूएट कर रहे हैं? अभी आप देखेंगे कि हम जो इवैल्यूएट कर रहे हैं हम उसके करने के ऊपर बेस कर रहे हैं। उसने ऐसा काम किया तो मैं उसको कैसे रिस्पेक्ट करूं, है ना। लेकिन रिस्पेक्ट एक भाव है। वो भाव किसके अंदर है? सेल्फ में है या शरीर में है? तो देखेंगे सेल्फ में है, है ना। फिर अगर सेल्फ के लेवल पे देखें तो हमने उसके लिए कुछ मान लिया है, है ना। लेकिन अगर हम रिस्पेक्ट का भाव देखें, सम्मान का भाव, तो वो उसका मीनिंग क्या हुआ? तो जब हमने सेल्फ के लेवल पे देखा तो हमारे अंदर, सबके अंदर सेम पोटेंशियल है, है ना। हमारा सबका पर्पस सेम है, हम सब सही जीना चाहते हैं, है ना। हम सही करना चाहते हैं, हम सही जीना चाहते हैं, हम सब में हम सही समझ चाहते हैं। और उस समझ के लिए हमारा प्रोग्राम क्या है? हमें ये सब जो पूरा एग्जिस्टेंस में जो हार्मनी है उसको हमने समझना है। तो स्टार्टिंग कहाँ से है? मेरे अंदर जो हार्मनी है उसको मैंने समझना है। अगर ऐसा हम देखेंगे तो हमें दिखेगा कि हमारे अंदर जो भाव चल रहा है, अगर हम सम्मान का भाव लेते हैं, तो जो जब भी हमारे अंदर ऐसा भाव चलता है जो कि सहज स्वीकृत है, तो हम उससे सुखी होते हैं। अभी दूसरे को तो छोड़ ही दें, अभी दूसरे की तरफ ना जाएं, तो हम हमारे अंदर दूसरे के प्रति विश्वास का भाव हो, सम्मान का भाव हो, तो हम सुखी रहेंगे सबसे पहली बात। और जब हम सुखी होते हैं तो हम दूसरे को भी सुखी कर पाते हैं, उसमें हम सहायक बन पाते हैं दूसरे के सुख में। अल्टीमेटली सबके अंदर वो पोटेंशियल है, लेकिन किसने कितना पोटेंशियल अभी देख पाया है, वो वहां तक पहुंच पाया है, वो चेंज, वो डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट लोगों के लिए। तो अगर कॉम्पिटेंस कम है या वहां उसकी उतनी समझ नहीं बनी है या उस पोटेंशियल तक वो नहीं पहुंच पाया है, तो फिर अगर हमारा भाव सही है तो हम उसको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि जो अभी टेररिस्ट की बात हो रही थी, हम क्या करते हैं, उनको पनिश करने में लगे रहते हैं। ठीक है, पनिश करिए, लेकिन साथ में उनकी समझ बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं वो तो हम नहीं सोच पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा भाव ही उनके लिए गलत रहता है और उससे हम दुखी भी होते रहते हैं। उसको भी हम देख लें थोड़ा सा, ठीक है ना शीला जी।
जी दीदी, जी दीदी, थैंक यू। और भी कुछ क्वेश्चन था क्या? कि आंसर हो गया आपका? एक आप पहले भी पूछ रहे थे या हो गया? इसी में सब हो गया दीदी। जी जी, ठीक ठीक है। एक और हैंड रेज्ड है, या हम थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, ये उदाहरण ले लेते हैं, फिर हम आ जाएंगे तारा रानी जी के पास, वो हैंड रेज्ड। तो यदि मुझ में मानव मानव संबंध के बारे में सही समझ नहीं है, यदि मैंने अपने आप को एक मानव के रूप में नहीं समझा है, दूसरे को भी मानव के रूप में नहीं समझा है, तो मैं अपने बारे में और दूसरे व्यक्ति के बारे में कुछ मान्यता बना लेता हूँ, जैसे कि अभी बात हो रही थी, और मेरे भाव भी मेरी इन मान्यताओं पर ही निर्भर करते हैं। तो मैंने कुछ मान लिया दूसरे के बारे में कि दूसरा ऐसा नहीं कर रहा क्योंकि वो करना नहीं चाहता, मेरे अंदर विरोध का भाव चलेगा, है ना? मेरे अंदर विरोध का भाव चलेगा तो फिर मैं दुखी होऊंगा ही। मैं यदि ये मानता हूं कि मानव का मूल्यांकन उसके संप्रदाय या वर्ग के आधार पर करना है, तो मुझ में अपने संप्रदाय या वर्ग के लोगों के लिए संबंध का भाव रहेगा, एक सहज भाव जिसमें मैं सुखी रहूंगा, और दूसरे संप्रदाय दूसरे वर्ग के लोगों के लिए विरोध का भाव रहेगा। विरोध का भाव यानी एक ऐसा असहज भाव है जिसमें मैं दुखी रहूंगा। तो ये अगर हम अपने लिए देख पाए तो हमें दिखेगा कि हम डे टू डे एक्टिविटीज में बहुत सी मान्यताओं के साथ काम करते हैं, और हम जो कर रहे हैं, जो एक्टिविटी बाहर है उस पर हमारा ध्यान जाता है, लेकिन अंदर जो चल रहा है, जो हमारे अंदर भाव चल रहा है, उस पर हमारा ध्यान कम जाता है। और धीरे धीरे ये दिखेगा कि जैसे जैसे हम भाव के प्रति सजग हो रहे हैं, जैसे जैसे हमें दिख रहा है कि जो भाव हमारे अंदर चल रहा है उसी से हम सुखी दुखी हो रहे हैं, तो फिर ये एक अपनी आवश्यकता बनेगी ही कि हम पीछे जाके देखें कि ये कौन सी ना कुछ मान्यता ऐसी हमने बना ली है जिसकी वजह से हमारा ये भाव चल रहा है। फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये मान्यता हमारी जो हमने जो बना ली है, ये मान्यता सही है कि नहीं सही है, ये हमारी सहज हमारे लिए सहज है कि नहीं है, हमारी जो सहज स्वीकृति है उसके आधार पर है नहीं है, यानी कि हमारे को सही समझ की आवश्यकता है, ये दिखने लगेगा। जब मैं अपने भाव विचार का निर्णय अपनी मान्यता के आधार पर करता हूं, तो यह निश्चित नहीं हो पाता कि मैं किस भाव के पक्ष में निर्णय करूंगा, वैसा भाव जो मुझे सहज स्वीकार्य है या अन्यथा। मेरी स्थिति क्या होगी इसकी निश्चितता नहीं होती, मैं आराम में रहूंगा या परेशान, संगीत में रहूंगा या अंतर्द्वंद में, सुखी रहूंगा या दुखी, इसकी निश्चितता नहीं होती। तो इसीलिए फिर हम पूरा टाइम ऐसे ही चलते रहता है, कभी सुखी कभी दुखी, और फिर हमें लगता है, ये भी हम मान लेते हैं कि लाइफ में तो ऐसे ही चलेगा, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है कि हमेशा सुखी तो रह नहीं सकते, ये हमने पहले से ही मान लिया, तो फिर हम उसके लिए एफर्ट भी नहीं कितना करते कि ये तो इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो इतना तो अब ऐसे ही चलेगा लाइफ में। जी पंकज कुमार जी। जी नमस्ते दीदी। नमस्ते। ये जो भाव को हम देख पाते हैं कि मेरा भाव यदि असहज है तो मैं दुखी हो जाता हूँ,
इसमें एक दो उदाहरण पर मैं निर्णय नहीं कर पाता हूँ कि इस समय उनको मैं संबंधी मानू या नहीं मानू। तो जैसे कोई मामला अदालत में चल रही है और वहां पर दूसरा पक्ष वहां के जो मजिस्ट्रेट हैं उनसे पैरवी और पैसा के बल पर मिलकर गलत में ही में भी वो सब कुछ कराए जा रहे हैं, तंग कर रहे हैं, तो उस परिस्थिति में दीदी कैसे उनको संबंधी मानू या संबंध का भाव उस पर स्थापित करूं। यहाँ पर द्वंद्व चलता है और होता क्या है कि जब मैं अपने अंदर के भाव को देखता हूँ तो उसमें कॉम्पिटेंसी की भी बात आती है, लेकिन वो सब कुछ जानते हुए कि मामला सही यह है और ये हम गलत कर रहे हैं, तो उस परिस्थिति में हम अपने फीलिंग को या अपने भाव को कैसे सही रखें। देखिए बहुत सिंपल है, आप अपने आप से पूछिए आपको क्या सहज स्वीकृत है। अभी उस आदमी को छोड़ दीजिए, अभी उस व्यक्ति के बारे में मत सोचिए, अभी आप अपनी सहज स्वीकृति देखिए। हाँ, सहज स्वीकृति तो है कि संबंध का भाव रहे, जी, है ना जी। तो अब बाहर कुछ भी हो रहा है, आपकी सहज स्वीकृति बदलती है या सेम रहती है? नहीं, उसमें प्रायः नहीं बदलती है, लेकिन किसी किसी बिंदु पर आकर मैं समाधानिक नहीं हो पाता हूँ, उस परिस्थिति में अपने को दुखी पाता हूँ। वही तो अभी क्या है कि जब हम ऐसी सिचुएशन आती है, हमने अब आप देखेंगे तो गौर करेंगे तो ये दिखेगा कि हमने उस व्यक्ति के लिए कुछ मान लिया है, उसने क्या एक्शन किया बाहर उसके बेसिस पे हमने उसके बारे में कुछ मान लिया है और उस मान्यता की वजह से हमारा भाव सही नहीं है तो हम तो दुखी होंगे ही। लेकिन अगर उस समय उस क्षण हम अपनी सहज स्वीकृति से पूछें, हम उसको रेफर करें, तो हमें दिखेगा कि हमारी सहज स्वीकृति तो सही भाव की ही है और हम सही से मतलब पूरी तरह से एक सही भाव रखेंगे दूसरे के प्रति। जिस क्षण हम सही भाव रखेंगे उस क्षण हम सुखी हो जाएंगे। तो हमें दिखेगा कि ये बाहर की परिस्थिति या बाहर उसने क्या किया उससे नहीं मेरा भाव तय हो रहा था, मेरा भाव तो मैं तय कर रहा था। तो मैं सही भाव रख के भी जो भी कार्रवाई करनी है दूसरे के लिए वो करेंगे। भाई वो टेररिस्ट है, उसने ये सब किया, अब हमें समाज में ये गलत मैसेज नहीं देना है कि जो उसने किया वो ठीक नहीं है, ये मैसेज जाना चाहिए। तो अगर कोई भी ऐसा करेगा तो उसके लिए ये दंड दिया जाएगा, वो ठीक है, वो तो हम करेंगे ही, लेकिन मेरे अंदर क्या भाव चल रहा है उसके प्रति वो तो मैं तय करूँ ना। क्योंकि जिस क्षण मैंने विरोध का भाव तय कर लिया उस क्षण मैं तो दुखी, तो बाहर भले ही उसको दंड दें सब करें, लेकिन उसकी समझ बढ़ाने के लिए भी क्या हम कुछ कर रहे हैं? नहीं तो हम उसको दंड देंगे, फिर जब वो पीरियड खत्म हो जाएगा वो बाहर जाके फिर वही काम करेगा ना, क्योंकि हमने उसकी समझ तो बढ़ाई नहीं किसी भी तरीके से, हमने उसकी समझ पे तो कुछ भी काम नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने मान लिया कि ये ऐसा काम कर रहा है तो ये इसी लायक है, तो उसको डिस्कार्ड कर दिया, जैसे कि समाज से बाहर फेंक दिया। लेकिन वो समाज का एक हिस्सा है ही, और हम जैसे जैसे इस बात को देख पाएंगे हमें दिखेगा कि संबंध तो ऑलरेडी है ही, हम बनाए या ना बनाए वो क्वेश्चन नहीं है, हम उसको देख पाते हैं कि नहीं, हम उसको समझ पाते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन है, क्योंकि संबंध तो ऑलरेडी है। जब भी हम उस समझ को हम नहीं देख पाते और हम अपने अंदर विरोध का भाव लाते हैं तब तब हम तो दुखी होंगे ही, ये भी हम देख लें। तो दीदी जैसे संबंध का भाव रहता है और कभी कभी जिस क्षण विरोध का भाव आ जाता है उनके कार्ड से, तो मैं ये देख पाता हूँ कि मैं दूसरे बाहर से प्रभावित हो रहा हूँ
और तत्क्षण हमारे अपने अंदर के भाव पर ध्यान जाता है और फिर उसको उस संबंध के भाव को स्वीकारने में थोड़ा समय लगता है। तो जैसे ही संबंध का भाव आता है मैं अपने को सहज और सुखी महसूस करता हूँ, लेकिन कुछ समय के लिए वो देख रहा हूँ किसी किसी घटना पे इस तरह का हो जा रहा है। तो बहुत बढ़िया जी। तो ऐसा दिखेगा कि हमने कुछ कुछ मान लिया है ना, जो जो हमारी मान्यता है, कोई कोई मान्यताएं बहुत गहरी हैं। अच्छा। और अभी हमें वो दिख नहीं रही होंगी, तो हालांकि हम बहुत ट्राई करते हैं, कुछ क्षण के लिए हमारा भाव भी ठीक हो जाता है, हमें दिखता भी है कि यही मेरे लिए, इसी से मैं सुखी हो रहा हूँ, लेकिन हमारी मान्यता इतनी स्ट्रांग है कि वो फिर मान्यता नेक्स्ट क्षण जब हम ना सजग नहीं है तो फिर वो हमारी मान्यता काम करने लगती है और फिर हमारा भाव बिगड़ जाता है। तो इससे हमें दिखेगा कि अल्टीमेटली हमें सही समझ होना कितना आवश्यक है, क्योंकि हमारी मान्यताएं बहुत गहरी हैं, बहुत समय से वैसा हमने कुछ मान लिया है तो इसलिए ऐसा चलते जा रहा है। अब हम ऐसा कर लेंगे कि भाई किसने कुछ गलती करी तो हम अपनी मान्यता चेंज कर रहे हैं, लेकिन किसी ने कुछ बहुत बड़ी गलती करी तो अब हम हमारी मान्यता फिर से वही आ गई कि भाई उस चीज को तो हम माफ कर सकते थे, लेकिन हम इस चीज को कैसे माफ कर सकते हैं, इन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं मान लिया है कुछ उसके बारे में। जी दीदी, स्पष्ट हुआ, आभार जी। जी जी, नमस्ते दीदी। नमस्ते। ठीक है, अभी विनीता जी हैं, बट हम 10 मिनट के लिए ये हाँ मैं ये उदाहरण का कंप्लीट कर दूं, फिर हम 10 मिनट का सॉरी भैया वो पिछली स्लाइड जरा दिखा देंगे जी। तो जब हमने ये उदाहरण लिया तो ये निष्कर्ष निकलता है कि स्वयं में सही समझ का होना और उस समझ के आधार पर अपने भाव विचार का निर्णय कर पाना आवश्यक है। यदि मैं ऐसा कर पाता हूँ तो मुझ में हमेशा सहज भाव ही होंगे और मैं हर क्षण संगीत में रहूंगा, सुखी रहूंगा, चाहे बाहर की परिस्थितियां अनुकूल हो या ना हो। जैसा कि अभी उदाहरण चल रहा था, पंकज जी जो शेयर कर रहे थे, कि अगर हम अपनी सहज स्वीकृति से पूछें तो हमें ये दिखेगा कि हमें संबंध का भाव ही सहज स्वीकृत है, बाहर वाला चाहे कुछ भी करे, तो हम उस क्षण अगर हम सजग रहें और अपनी सहज स्वीकृति को देख पाए तो ये निर्णय हमारे लिए आसान हो जाता है, एटलीस्ट उस समय के लिए। लेकिन हमारी मान्यताएं बहुत सी बहुत गहरी हैं, इसलिए हमारा सही समझ का होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, नहीं तो हमारी जो भी मान्यता है उस मान्यता के बेसिस पे हमारा भाव चलता रहेगा और हमें ये नहीं दिख पाएगा कि अल्टीमेटली जो हमारी मान्यता है उसकी वजह से हमारा भाव इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो हमारी मान्यता को अगर हम ठीक कर लें तो फिर ये भाव हमारा और अच्छे से नेचुरली फ्लो करेगा सही समझ के आधार पर। इसलिए सही समझ आवश्यक है उन सब के बारे में जिनसे मेरा संबंध है। अल्टीमेटली मेरा संबंध किससे है? मेरा संबंध तो सबसे है, जिनके साथ मैं जीता हूं उन सबसे है। तो मेरा संबंध संपूर्ण प्रकृति के साथ है, संपूर्ण अस्तित्व के साथ है, इसलिए मुझे संपूर्ण प्रकृति संपूर्ण अस्तित्व को समझने की आवश्यकता है और ये निर्णय करने की आवश्यकता है कि मनुष्य और मनुष्यतर प्रकृति के साथ जीने के संदर्भ में कौन से भाव मुझे सहज स्वीकार्य हैं। और जैसा कि हमने कहा, उसका ग्लिम्प्स तो हमारे पास है ही, वो प्रोविजन तो एग्जिस्टेंस ने दिया ही है हमें कि हम अपनी सहज स्वीकृति देख पाते हैं।
और उससे हमें सही रास्ता सही मार्ग तय करने में कोई परेशानी नहीं होती, बल्कि वो एक सिंपल गाइड है, एक सिंपल टूल है। कैसी भी हमारी स्ट्रॉन्ग मान्यता हो, जिस क्षण हम अपनी सेहत स्वीकृति को रेफर करते हैं, हमें दिखाई देगा कि हमारी सेहत स्वीकृति तो सही भाव के लिए ही है, और उससे हम हर क्षण सुखी रह सकते हैं, चाहे बाहर की परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे बाहर कुछ भी एक्टिविटी हो, चाहे दूसरे का व्यवहार कैसा भी हो। हम जरूर करेंगे जो सब करने की जरूरत है, समाज को सही दिशा दिखाने के लिए, सब में सही समझ बढ़ाने के लिए, और जो भी उस क्षण उस समय में जो दंड देना होगा वो देंगे, लेकिन हमारे अंदर सही भाव रहेगा तो हम उस सही भाव से दूसरे की समझ बढ़ाने का भी काम कुछ करेंगे। ठीक है, तो अब हम 10 मिनट के लिए ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपने अंदर जो भी भाव चल रहा है उसको देखें, स्पेशली जिनके प्रति हमें कुछ विरोध का भाव है उस भाव को भी हम अभी देखें अपने अंदर 10 मिनट के लिए, और देखें कि मुझे सहज स्वीकृत क्या है। तो हम देखेंगे ये दो अलग चीजें हैं। हमारी सहज स्वीकृति को जब हम रेफर करते हैं हमें एक तरह का भाव दिखता है, हम दूसरे ने क्या बाहर किया उसकी तरफ जाते हैं तो हमारा भाव फिर से बिगड़ने लगता है, लेकिन हम अपने आप से पूछें कि उसका जो व्यवहार था वो वैसा करना चाहता था या वो वैसा उसने किया क्योंकि उसकी समझ ठीक नहीं थी या उसमें कॉम्पिटेंस की कमी थी। अल्टीमेटली हमें ये दिखेगा कि हमें जो सहज स्वीकृत है वो तो वही है जो सहज भाव है, जो भाव मेरे लिए सहज है जिसमें मैं आराम में रह सकता हूँ। इस चीज को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे 10 मिनट के लिए। तो अभी मैं अपने आप को म्यूट कर देती हूँ, भैया वो स्लाइड लगा दीजिए ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, हमने कुछ 8 मिनट के लिए हम ऑब्जर्व कर रहे थे, अभी हम एक हैंड रेज्ड है उसको एड्रेस कर लेते हैं, नहीं तो समय नहीं होगा। भैया पिछला स्लाइड लगा दीजिए प्लीज। विनीता शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। हाँ दीदी, मैं ये मेरी ये मान मतलब पहले भी ये भी मान चुकी हूँ कि जो मान्यताएं होती हैं जो अपनी, वो उनका आधार मतलब कहीं ना कहीं हम कुछ, जैसे बहुत टाइम हो चुका होता है किसी के प्रति, जैसे किसी का व्यवहार है, हम जानते हैं कि उसका व्यवहार इस तरह का है, उसके प्रति हमारी ये मान्यता है, तो वो ना किसी आधार पर ही तो बनती है। हाँ, तो हम हमारी उसके प्रति सह स्वीकृति भी होती है कि हम ये काम करेंगे तो वो इंसान गुस्सा करेगा। ये हमारी सहज स्वीकृति है या ये हमने कुछ मान लिया है? ऐसा मतलब ये मान्यता जो बनी, मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर हमारी किसी के व्यवहार के प्रति कोई मान्यता बनती है तो वो तुरंत नहीं बनती, बहुत टाइम अपन ऑब्जर्व करते हैं उनका ऐसा बिहेवियर देखते हैं तब जाके कहीं वो मान्यता हमारी उसके प्रति बनती है। तो हाँ, वो मान्यताएं कहीं ना कहीं हमारी सही भी तो होती हैं। हाँ, बहुत सी मान्यताएं सही भी हैं, बहुत सी गलत भी हैं। गलत यानी जो हमारी सहज स्वीकृति के लाइन में नहीं है, है ना। अब हमने मतलब कुछ मान लिया किसी के बारे में, अगर हमारा पास्ट एक्सपीरियंस वो हमें बता रहा है तो हम उस बेसिस पे कुछ एक ओपिनियन बना लेते हैं उसके लिए, है ना, कि हमने 10 दफा उनसे ऐसा बात करी तो उन्होंने गुस्से से जवाब दिया तो ये तो हमेशा गुस्से में ही रहते हैं। तो हम अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि इन्होंने मुझे गुस्सा किया, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि दूसरा दुखी है इसलिए वो उसका एक्सप्रेशन है दुख का, दूसरा ऑलरेडी इरिटेटेड है।
हम ये भी समझ लेते हैं कि उसका इसके लेवल या इसमें इतनी समझ नहीं है, वो इस तरह इसीलिए हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता है। लेकिन जब वो ऐसा व्यवहार करता है, हम ये जानते हैं कि उसका अंदर ये कमी है, उस वजह से ये करता है कि, लेकिन वो हम ये भी हमें ये भी स्वीकार नहीं होता कि वो हमारे साथ गलत करे, या उसका जो व्यवहार है ना वो हमें स्वीकार नहीं होता। तो हमें भी अंदर से जो कहते हैं ना कि अपने भाव सही, हमारे भाव उसके प्रति सही है, हमें दिख रहा है वो संबंध है हमारा उसके साथ, तो कहां संबंध है। देखिए हमारा भाव भी तो क्षण क्षण बदलता रहता है। जिस क्षण उसने हमारे ना हमारे ऊपर चिल्ला दिया या कुछ जोर से बोल दिया, हमने भी तो ये मान रखा है कि इस पर्सन को मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, है ना, हमारा पूरा फोकस व्यवहार पर आ जाता है। उस क्षण भी हम अपनी सहज स्वीकृति को रेफर करते हैं या नहीं? अभी व्यवहार को छोड़ दीजिए, हमारी सहज स्वीकृति तो बदलती नहीं है ना, के बदलती है नहीं। मैं ये कहना चाह रही थी, जैसे वो उसने हमारे साथ सही व्यवहार नहीं किया और हम उससे, मतलब ये नहीं कि हम उसे रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे हमारे पिता हैं जैसे, तो हम ना तो रिएक्ट कर ही नहीं सकते, पर लेकिन हम जानते हैं कि हमारे साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा है, तो हम अंदर तो रिएक्ट कर रहे हैं ना, बाहर हमने व्यवहार में नहीं दिखाया, तो वो रिएक्शन, हाँ वही, लेकिन वो रिएक्शन इसके प्रति है ना कि वो चीज सही नहीं है। वो आप देखिए अपने अंदर कि हमने भी तो ये मान लिया ना कि ये सही नहीं है, इस पर्सन को मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हाँ तो ऐसा भी तो वो चीज जो ये है कि जो चीज सही नहीं है वो, मान लो हम ये जानते हैं कि ये चीज किसी के लिए भी सही नहीं होती है। हाँ ठीक है ना, हाँ, जैसे किसी के साथ गलत व्यवहार करना, गलत तरीके से बात करना किसी के लिए भी सही नहीं है। ठीक है, एक मिनट के लिए आप इस तरह से देखिए कि जब आप दुखी होते हो तब आप भी शायद दूसरे को जोर से डांट देते हो, कभी कभार होता होगा। हाँ। जब हम अपने अंदर परेशान होते हैं, होता है कि नहीं होता? हाँ ये होता ही है, और ये चीज को मैं मान रही हूँ, वो अंदर से चलो परेशान है, समझ नहीं है, हम सारी चीजें मान सकते हैं, एक परिस्थिति के लिए हम मान सकते हैं, दूसरे का नेचर इसी तरह का बना हुआ है, वो बिना गुस्से के बात ही नहीं कर सकता, ये हमने सारी चीजें स्वीकार कर ली, लेकिन फिर भी एक जो अंदर इस चीज का भाव तो रहता ही है कि वो उसका व्यवहार हमारे प्रति सही होना चाहिए। देखिए फिर हम व्यवहार पे जा रहे हैं ना, दूसरे का व्यवहार क्यों वैसा है वो भी हम थोड़ा सा देख लें, अगर दिखेगा कि दूसरा वैसा करना नहीं चाहता या दूसरा वैसा नहीं कर रहा क्योंकि उसमें समझ नहीं है, सही समझ नहीं है, ये भी मान लेते हैं हम सही समझ भी नहीं है, लेकिन मैं कह रही हूँ हम ये मान चुके हैं कि उसका नेचर ऐसा है, उसके अंदर सही समझ नहीं है, मैं ये कहना चाह रही हूँ, फिर भी हमारे अंदर मान लो ऐसा विरोध नहीं आता कि नहीं उनके लिए हम कुछ गलत कर दें कि कुछ ऐसा कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर जो है ना एक पीड़ा सी बनी रहती है कि नहीं, वही तो वो हम अपने अंदर ठीक से देखें कि हमारा भाव क्या है। अभी हमें लग रहा है कि हमारा विरोध का भाव नहीं है, लेकिन अगर हमारे में संबंध का भाव होगा तो हमें ये भी दिखेगा कि दूसरा भी परेशान है, उसकी मैं परेशानी को कैसे कम कर दूं, उसके लिए मैं क्या कर दूं, वो दिखेगा। लेकिन क्योंकि हमारे अंदर खुद ही वो कॉम्पिटेंस अभी इतनी डेवलप नहीं हुई है, तो हमारे अंदर भी वो जो भाव सही नहीं है उसको हम अभी ठीक से देख नहीं पा रहे, कि हमारे अंदर भी जब विरोध का भाव चलता है तब हम दूसरे के लिए क्या कर दें, उसको कैसे हेल्प कर दें, वहां तक तो बात आगे बढ़ती ही नहीं है ना। नहीं ये भी चाहते कि हम उन्हें कहीं ना कहीं हम ये भी चाहते हैं कि उनका व्यवहार सुधर जाए, लेकिन हम जानते हैं कि उनका व्यवहार ऐसा है कि उनसे बात भी करना बहुत मुश्किल है। वही तो हम अभी उनका व्यवहार चेंज करने में लगे हुए हैं, लेकिन वो कैसे कम परेशान हो, उसके लिए हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, वो नहीं हम देख पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी पीड़ा में बैठे हैं ना कि उन्होंने हमारे साथ गलत किया, और उस समय हमारा भाव क्या है उसको अच्छे से जांचे, दिखेगा कि हमारे अंदर विरोध का भाव चल रहा है। ठीक है, इस चीज को आज ऑब्जर्व करें, ठीक है ना।
नहीं वो तो मैं समझ मिलकर इसको मुश्किल है बहुत ये तो समझ में नहीं आ रहा कि उसके प्रति कैसे विरोध का मतलब ये एक ऐसा पिता है उन्होंने मान लो सही व्यवहार जैसा करना चाहिए वो किसी के साथ नहीं करते हैं खाने के लिए भी अगर मांगा तो बिना चिल्लाए नहीं मांगेंगे। एक सेकंड, आपका बच्चा जब कुछ गलती करता है तो आप ज्यादातर कभी कभी तो विरोध का भाव उधर भी आएगा लेकिन ज्यादातर आपका भाव कैसा रहता है जो उस क्षण जिस टाइम वो गलती कर रहा है हम जानते हैं कि उसमें समझ नहीं है वो गलती कर रहा है लेकिन फिर भी अंदर एक गलत करता है तो उस वक्त गलती जो कर रहा है उसके लिए तो एक अंदर विरोध होता ही है उस वक्त भी वही तो आपको सहज स्वीकृत क्या है उस क्षण भी वो पूछे अपने आप से तो आपको दिखेगा कि आपको सहज स्वीकृत तो यही है कि आप संबंध का भाव रखो। वो मैं यही पूछना चाह रही थी कि दीदी ये अगर हमारे ये इस बच्चे के एग्जाम्पल से समझ मैं बताऊंगी तो अगर मान लो बता है मैं ये बच्चा गलती कर रहा है हम ये भी जानते हैं उसके अंदर समझ नहीं है लेकिन वो ना बात मानने को समझने को भी तैयार नहीं होता तो उस क्षण तो हमारे अंदर उसके रहता है ना एक दुख की भी हमारी बात भी नहीं समझ रहा हम तो हम उस क्षण भी संबंध का भाव रख के उसको जो भी ना अगर कुछ हम पनिशमेंट भी देते हैं जो भी करते हैं हम उसकी समझ बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं वो भी देखें। हाँ वो तो हम कुछ क्या करते हैं हम अगर हो सकता है कि हमारे अंदर योग्यता ना हो वो अलग स्थिति है लेकिन हम कोशिश तो पूरी ही करते हैं हमारे अंदर से एक संबंध क्योंकि हमारे हम किसी अगर कोई अदर पर्सन है तो हम उसके लिए ये भी शायद मतलब जैसे बाहर वाला है उनसे हमारे कुछ गलत कर दिया तो हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे जांचिए इसको थोड़ा और जांचिए क्योंकि अभी आपने कहा विरोध का भाव तो आएगा ही अभी आप कह रहे हैं कि संबंध का भाव तो है ही आप देखेंगे कि हर क्षण आपका भाव बदल रहा है उसको थोड़ा और अच्छे से जांचिए ठीक है ना हम देखेंगे कि हर क्षण हमारा भाव बदल रहा है और उसके पीछे क्या क्या मान्यताएं छुपी हैं वो भी हमें धीरे धीरे दिखेगा लेकिन उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट यही है कि हम पहले अपने भाव के प्रति सजग हो जाएं हर क्षण और उसको अपनी सहज स्वीकृति के साथ रेफर करके देखें कि जो हमें सहज स्वीकृत है वो भाव मेरे अंदर है या नहीं। अभी दूसरे को तो लाए ही नहीं बीच में दूसरे के व्यवहार को भी छोड़ दें उस क्षण जब वैसा व्यवहार हुआ तो मेरी सेहत स्वीकृति तो वही बनी हुई थी लेकिन कहीं ना कहीं मेरा भाव सही नहीं है तो ही मेरे को इतनी पीड़ा हो रही है तो ही मैं इतना परेशान हो रही हूँ इस बात को थोड़ा सा और गहराई में देखेंगे तो वो दिखेगा ठीक है ना। अभी उसको खुला रखें ये भी ना माने वो भी ना माने थोड़ा सा खुला रख के देखने की कोशिश करिए ठीक है ना। ठीक ओके जी ठीक है बहुत समय हो गया we have gone past the time तो अब हम यहाँ क्लोज करेंगे और meanwhile यही असाइनमेंट है आज का कि हम हर क्षण अपने भाव के प्रति सजग भी होंगे और उस क्षण जब हमारे अंदर कुछ भी डिस्कम्फर्ट लग रहा है पीड़ा लग रही है परेशान हो रहे हैं देखें कि मेरा भाव क्या है मुझे सहज स्वीकृत क्या है और मैंने ये भाव कैसे तय किया। कुछ मान्यता चल रही थी वो मान्यता समझ के आधार पर है या हमने कुछ ऐसा मान लिया है पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से या कोई भी वजह से तो इस चीज को आज देखेंगे और फिर कल फिर मिलेंगे। सभी को नमस्ते धन्यवाद।